कतरनिया प्रभाग के घने जंगलों के बीच आदिवासी बाहुल गांव फकीरपुर में आयोजित हुआ विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव। राष्ट्रीय आदिवासी गौरव सम्मान से नवाजी गई प्रतिभाएं। मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश जलवायु सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मक्खनलाल तंवर एवं विशिष्ट अतिथि रहे नेपाल के वरिष्ठ साहित्यकार आनंदगिरी मयालू। राष्ट्रीय जलवायु सेना उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित हुआ कार्यक्रम। तहसील मीनपुरवा क्षेत्र के कतरनिया घाट क्षेत्र से जुड़े ग्राम पंचायत फकीरपुरी में बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव आयोजित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता ग्राम प्रधान फकीरपुरी माधुरी देवी ने की तथा संचालन मामून रशीद ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह में आए सभी अतिथियों को पौध वितरित कर किया गया। तत्पश्चात मौजूद अतिथियों का परिचय करा सबका स्वागत कर उन्हें मंचासीन कराया गया। इसी क्रम में आयोजक मोहम्मद रशीद एवं रमेश चंद्रा ने कार्यक्रम का उद्देश्य विस्तार से बताया। तत्पश्चात आयोजक मंडल ने अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों को स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जनपद बहराइच के कतरनिया वन्यजीव प्रभाग में बसा ये गांव घने सघन वन्य क्षेत्र में बसा हुआ है और यहाँ की खास बात यहाँ के थारू समुदाय के लोगों से है। राष्ट्रीय जलवायु सेना की ओर से फकीरपुरी गांव को चूंकि आदिवासी बाहुल्य गांव है इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। इस वक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है डॉक्टर मक्खनलाल तंवर जी मौजूद हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल आपका जंगल वाइज में। आपका भी धन्यवाद सर। आज इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि भी रहे। कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित हुआ था तो यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्थक हो सका या आप यहाँ से क्या शिक्षा दे पाए लोग यहाँ? पहला तो आपका ये प्रश्न कि हमारे आने का उद्देश्य यहाँ सार्थक हो सका कि नहीं हो सका। मैं कहूँगा कि 100% हमारा उद्देश्य सार्थक हुआ है। यहाँ के जो जनता है, यहाँ की जो सहभागिता है, यहाँ के जो बाल बालिकाएँ हैं उनका उत्साह देख करके और उनकी संख्या देख करके उनका मनोभाव देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है। फकीरपुरी को ही विश्व आदिवासी महोत्सव 2023 के लिए आपने चुना, इसकी क्या मुख्य वजह है? इस जंगल को आबाद करने वाले सदियों से जल जंगल जमीन के वारिस आदिवासी हमारे संवैधानिक अधिकारों को जान सके, पहचान सके और वो हमारे देश की मुख्य धारा से जुड़ सके, इसलिए इस आयोजन को इस गांव को। एक साहित्यकार प्रदीप सारंग जी क्या सोचता है यहाँ आप आए, यहाँ के आपने गाँव वालों को भी देखा, इनसे आपने बात भी की, यहाँ का दर्द भी महसूस किया होगा, यहाँ जो विकास हुआ उसको भी महसूस किया होगा, अभी कितना ज़रूरी है इस तरह की चौपाल, इस तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित करना? धन्यवाद। मैं प्रदीप सारंग बाराबंकी से। यहाँ फकीरपुर आने के बाद हमने देखा कि काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। पिछले तमाम वर्षों में जो सरकारों ने प्रयास किए हैं उसका असर यहाँ कुछ कुछ दिखने लगा है, लेकिन इनकी जो चिंता हमने देखी, इनकी संस्कृति अलग है, इनका रहन सहन अलग है, इनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गीत गायन, वो सब अलग है। ये इसको बचाए रखना भी एक बड़ा काम है, तभी देश की पहचान बने। इसके लिए इनके जो शिक्षा का है, अभी हम आपको सर का ये कहना है कि आदिवासी जो समाज है वो देश का ही मुख्य समाज है, वो अपने को अलग थलग समझे भी ना और कोई अलग थलग करने की कोशिश भी ना करे। उनका कहना है कि शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिससे हम चाहें तो बहुत तेज़ी से यहाँ विकास हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, विकास के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन शायद इस वन क्षेत्र में, इतने पिछड़े इलाके में इतना ही विकास काफ़ी नहीं है, इससे भी ज़्यादा विकास होना चाहिए था। अब हम बात करेंगे, हमारे एक और विशिष्ट अतिथि हैं, ये डॉक्टर आनंदगिरी जी हैं, नेपाल से आए हैं, वरिष्ठ साहित्यकारों में शुमार होता है विश्व में आपका, कई आयोजन भी कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते। पहली बात तो भारत देश आप आए और फकीरपुरी आए, सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी रही? बहुत अच्छा है, धन्यवाद आयोजक मंडल को जिन्होंने आदिवासियों के हक, हित और उनके अधिकारों के लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया है। ग्राम सभा की जो प्रधान है उनको धन्यवाद, आयोजक मंडल को धन्यवाद और मैं आनंदगिरी मयालू नेपाल से, हमारी संस्था है शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल, जिसकी तरफ से हम इस कार्यक्रम की जो सफलता हुई है बहुत हमें प्रसन्नता लग रही है। पूरे आयोजक मंडल को पुनः धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। मुकेश जी नेपाल से आए हुए हैं,
और एक युवा साहित्यकार भी हैं, जनसेवी भी हैं। मुकेश जी आप क्या कहेंगे सर? कि संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसमें से क्या है कि कोई व्यक्ति नाम और दाम दोनों कमा करके जाता है और कोई कुछ नहीं कर करके ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ के हम देखें अभी पीजे अब्दुल कलाम जी का और दास कबीर दास जी का, तो उन्हीं के जैसे यहाँ पे हम सारे लोग को देखें तो हमको ऐसे लगा कि उन सारों में ऐसा गुण है कि उन्हीं जैसे उन लोग बन सकते हैं। कहते हैं कि जो भी आपके आदर्श हैं हम लोगों को उन्हीं आदर्शों पे चलना चाहिए। और ये यहाँ से एक संदेश भी दिया गया है, यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि सब महान भावों और आदर्श पुरुषों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, उनके बारे में बताया गया है था क्या उद्देश्य था और इस तरह के कार्यक्रम यहाँ क्यों आवश्यक? धन्यवाद। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासियों में जागरूकता पैदा करना था और ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ है। इनमें जागरूकता पैदा करने के लिए जाने कब से आज़ादी के बाद से लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं और ये कौम जागरूक भी हो रही है, यानी स्तर इनका बढ़ता जा रहा है इनके। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों का उद्देश्य था वो पूरा हुआ, क्योंकि हमारा उद्देश्य था इन्हें जागरूक करने का। ये अगर जागरूक हो गए तो इनसे बड़ा लाभ होगा समाज को भी, देश को भी, प्रकृति को भी, पर्यावरण को भी, हर जगह से ये लाभ ही इनसे मिलेगा। इसलिए इनकी जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है, जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य सफल रहा है जो कार्यक्रम हमने कराया। धन्यवाद। पर्यावरण जन जागरूकता का कार्यक्रम था, आदिवासी समुदाय को जागरूक करने का कार्यक्रम था। आयोजक मंडल गदगद है, उसका कहना है कि ये कार्यक्रम अपने सफलता के चरम पर पहुँच चुका है और उसके बाद सफलता को प्राप्त किया है। लेकिन वहीं आयोजक मंडल का ये कहना है कि शायद एक ही कार्यक्रम या इसी तरह का कार्यक्रम काफ़ी नहीं है आदिवासी उत्थान के लिए। इस तरह के कार्यक्रम गांव स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, विश्व स्तर पर आयोजित होते भी हैं और होते भी रहने चाहिए। और मिलेंगे फिर किसी जन जागरूकता कार्यक्रम में आपके पास। तब तक बने रहिए जंगल वॉइस के साथ। धन्यवाद।